नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। आईपीएल 2020 के सफल आयोजन के बाद अब भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में अपने आगामी मैचों की तैयारियों में जुटी है, लेकिन बीसीसीआई के चीफ सौरभ गांगुली ने आईपीएल को सफल बनाने के लिए सहवाग और रवि शास्त्री समेत कई दिग्गज क्रिकेटर्स की जमकर तारीफ भी की है। अब आप सोच रहे होंगे कि सौरभ गांगुली आईपीएल को सफल बनाने के लिए भला सहवाग की तारीफ क्यों कर रहे हैं, जबकि उन्होंने तो आईपीएल में किसी भी प्रकार से भाग लिया ही नहीं। तो आपको बता दें कि आईपीएल के इस सीजन के दौरान पूर्व क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग का शो वीरू की बैठक भी काफी चर्चा में रहा। अब सहवाग के इस शो की अब बीसीसीआई प्रेसिडेंट ने जमकर तारीफ कर दी है। दरअसल सहवाग ने अपने ट्विटर पर खुद की एक फोटो शेयर की है, जिसमें वो काफी कूल अंदाज में नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा, जब कुछ भी राइट नहीं हो रहा हो तो लेफ्ट जाए। सहवाग के इस पोस्ट पर बीसीसीआई के अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कमेंट करते हुए लिखा, क्या बात है वीरू, तुम काफी फिट और हैंडसम लग रहे हो। तुम्हारा शो वीरू की बैठक भी एक कारण रहा आईपीएल की जबरदस्त रेटिंग्स का। आपको बता दें कि सहवाग ने आईपीएल 2020 के दौरान अपने इस शो में हर मैच को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी और खिलाड़ियों और टीम के प्रदर्शन पर भी चर्चा करते नजर आए। वहीं सौरभ गांगुली ने आईपीएल खत्म होने के बाद बताया था कि इस साल आईपीएल ने व्यूअरशिप के कई रिकॉर्ड्स को ध्वस्त किया था और 28% दर्शकों की संख्या में इजाफा हुआ था। कोविड-19 के चलते आईपीएल का ये सीजन खाली स्टेडियम्स में करवाया गया था और लोगों को स्टेडियम में आने की इजाजत नहीं दी गई थी। हालांकि फैंस को वर्चुअली जरूर मैच से जोड़ा गया था। वहीं आईपीएल 2020 के फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर खिताब पर 5वीं बार कब्जा जमाया था।